रीवा से है, जहां अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन के द्वारा लगातार की जाने वाली कार्रवाई के क्रम में सिरमौर में बलात्कार के फरार आरोपी कृष्णदेव सिंह पिता बलभद्र सिंह निवासी वार्ड क्रमांक 8 नगर परिषद सिरमौर के आलीशान मकान और व्यवसाय की दुकानों पर कलेक्टर मनोज पुष्प और अधीक्षक नवनीत भसीन के दिए गए निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर, SDOP सिरमौर, PS परस्ते और तहसीलदार सिरमौर जितेंद्र तिवारी की उपस्थिति में नगर परिषद सिरमौर के द्वारा अवैध निर्माण पर JCB के माध्यम से आलीशान मकान और व्यावसायिक दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। वहीं 376 के आरोपी शिवेंद्र गुप्ता और जिला बदर के आरोपी रोहिणी प्रसाद गुप्ता और आपराधिक प्रवृत्ति के कैलाश प्रसाद गुप्ता के मकानों को भी प्रशासन के द्वारा बुलडोजर के माध्यम से जमींदोज किया जाएगा। वहीं लगातार की जाने वाली कार्रवाई के बाद भी विपक्ष सर्किट हाउस रेप कांड मामले में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सवाल उठा रहा है। इसमें जो भी राजशासन की प्राथमिकताएं होती हैं और उनके जो निर्देश हैं पूरी तरीके से उनके अनुरूप जो कार्रवाई जिले में की जाती है और यहाँ सभी जो अधिकारी हैं उनको भी जो भी शासन की प्राथमिकताएं हैं वो उनमें निरंतर प्रयास करते रहने की आवश्यकता। तो इस कारण इसी तारतम्य में जो यहाँ भूमाफिया है उस पर सभी जो हमारे अनुविभाग हैं उसने अच्छे स्तर पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, निरंतर उनको चिन्हित करते हुए जो यहाँ निगरानी बदमाश हैं या जो भूमाफिया है उनके जो भी ऐसे जो शासकीय भूमि पर या किसी अन्य प्रकार के जो उनके जो बने हुए हैं अब या उनके द्वारा किसी भूमि पर कब्जा किया तो उस पर निरंतर कब्जा हटाने की कार्रवाई और जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो भी यह जो ऐसे जो लोग हैं जो कि जिनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हैं और भी जिन्होंने अपने प्रभाव के कारण जो शासकीय भूमियों पर कब्जा किया हुआ है उनको निरंतर ये कार्रवाई कर रहे हैं जिससे कि उन शासकीय भूमियों पर कब्जा भी हटाया जाए और उसके एक जनमानस में जो उनकी वजह से जो एक विपरीत प्रभाव पड़ता है उसको भी एक नियंत्रित किया जा सके, जिसमें निरंतर जो ऐसी कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी और उसमें आगे आने वाले समय में भी और बेहतर परिणाम आपको